टैली चैप्टर 132। टीडीएल सेशन चल रहा है हमारा और हमने आपसे प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि आपको सेल्स हिस्ट्री से रिलेटेड टीडीएल दी जाएगी। कुछ साथियों को टाइपिंग करते वक्त प्रॉब्लम हो रही है, कोड में वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से कोड अपलोड नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कोड है वो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बना करके देता हूँ। उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हिडन नहीं है, जिसकी वजह से वो यहाँ तो चलेगी और आपके पास नहीं चलेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल करने के लिए। मैं आपको ईमेल कर दूंगा पूरा कोड, ताकि आप आसानी से उसे यूज़ भी कर पाएँ। हाँ, ईमेल करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, सेम डे नहीं कर पाते हैं हम लोग, काम पेंडिंग होते हैं, लेकिन एक दो दिन में आपको मेल मिल जाएगा। अदरवाइज ब्लॉग पर कोड बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए टीडीएल सेशन शुरू करते हैं, और हमने जैसा आपको बताया कि सेल्स हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेल किया, कैश में सेल कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट में सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक प्रोडक्ट लिया मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन को मेन लोकेशन 12 पीसेज सेल किए गए एट द रेट 5000 फॉर एग्जांपल। डिस्काउंट कोई भी नहीं दिया गया है। डिस्काउंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको पिछली मिली थी 131, यहाँ डिस्काउंट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ, अभी मैं डिस्काउंट ऐड भी कर दूंगा आपके लिए। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में आप यहाँ पर दोबारा कोई एंट्री करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, एंटर करके आप नीचे आइएगा और बैक स्पेस दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी लेटर की वजह से भी ये आपको डिस्प्ले नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मोबाइल फ़ोन की सेल्स हिस्ट्री मिल जाएगी। इसके अंदर इनवॉइस नंबर हमने दिया है, डेट कैश में है या पार्टी नेम है, और क्वांटिटी है, उसके बाद में उसका प्राइस है, और डिस्काउंट कोई भी नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। कलर चेंज करना हमारे हाथ में है, येलो कलर से मैं इसे वापस ग्रे पर आपके लिए करूँगा। एक्सेप्ट करा देते हैं, तो डन। ये वाला प्रोडक्ट भी हमने सेल कर दिया, एक पीस एट द रेट 12% का डिस्काउंट फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं। एक्सेप्ट करा दिया गया, पेज अप पेज डाउन। अब जब आप पेज अप करते हैं तो यहाँ पर आपको की प्रेस करनी है, वो है F1। यहाँ पर इसको हमने F1 किया है, डिस्काउंट में मैंने D रखा था, यहाँ मैंने इसको F1 कर दिया है, क्योंकि ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई है तो ये मेरे रिकॉर्ड पर यहाँ पर आ चुकी है। 12% आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट भी ऐड हो गया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़ानी हो या घटानी हो इस फॉर्म के अंदर, आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्केप कीजिए, और एंट्री तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है तो मैं इसे कंट्रोल ए कर देता हूँ, डन। यहाँ पर कंप्लीट हुआ इसमें। अब बारी आती है कोड की, तो कोड में आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो बदलाव आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको दिया, हमारा जो फॉर्म चल रहा है फॉर्म का जो कलर मैंने येलो रखा है उसको मैं चेंज करूँगा, बैकग्राउंड येलो से मैंने ग्रे कर दिया, GREY ग्रे, और इसको सेव करके टैली पे जाके रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो पहले फॉर्म ले लेते हैं उसका, वहाँ रिफ्रेश करेंगे। मेरे पास तो F5 है, आप ऑल्ट कंट्रोल टी करेंगे, F1 प्रेस कीजिए और यहाँ पर F5, ये ग्रे कलर का हो गया, जो भी कलर आपको देना था वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें और भी बदलाव कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जो भी मेरी फाइल आ रही है उस फाइल में कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको फुल विड्थ कर देनी है, ठीक है, सो फुल विड्थ यस कर दीजिएगा। यहाँ पर अलाइन सेंटर है तो ये पूरा फुल विड्थ हो जाएगा,
और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो फॉर्म है मेरा ये फॉर्म आ रहा है बॉटम पर, तो यहाँ से बॉटम वर्टिकल कंट्रोल एक्स सेव किया मैंने और रिफ्रेश कर दिया F5, यहाँ पर ये सेंटर पे आ गया। तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये टॉप में आएगा, बॉटम आएगा, मिडिल आएगा, ये सारी चीज़ें आप कोडिंग में एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा है। हाइट आप अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो 80% कर लीजिए या 100% कर दीजिए ताकि आप कोई डेटा मिस ना कर पाएँ। F5 यहाँ पर इसकी हाइट कम ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। तो ये रहेगा कोड में। अब कोड सारे का सारा तो आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। जो हमने कोड आज यूज़ किया है उसको शो कराने से पहले मैं एक छोटा सा कमर्शियल एड ब्रेक ले लेता हूँ। जी हाँ, तो अब ये जो आपका कलेक्शन है जो कल आपने डिस्काउंट के लिए यूज़ किया था ना, वो सेम आपको लिया गया है। इसमें कोई और बदलाव नहीं है। जो 131 में मैंने यूज़ किया है सेम है। अगर आपने वो सक्सेसफुली रन कर लिया है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और हो सकता है जो एरर आ रही है ना वो आपको यहाँ पर आ रही हो, तो डबल डॉलर है, लाइन थोड़ी बड़ी रहती है क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जूम करके पढ़ाने के लिए ताकि सभी को यहाँ पर सही दिख पाए। तो इस तरीके से ये काम कर जाता है, ठीक है। तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि आपका स्क्रीनशॉट प्रॉपर आए ताकि आप आसानी से काम कर पाएँ। अच्छा, चैनल पर अभी आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियो मिल रही हैं जिसमें हम अलग अलग कंटेंट से आपको रेडीमेड कोड दे रहे हैं, कोडिंग आपको सिखा भी रहे हैं। हाँ, कोडिंग मैं थोड़ा स्लो सिखाता हूँ, दो दो तीन तीन लाइनें सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही हमने सीखी है स्लो करके। एकदम से पूरा कोड तो वो नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए। अच्छा, अब इसके बाद का जो सेशन है वो मैंने सेल्समैन, एजेंट और उनके प्रॉफिट्स को लेकर के रखा हुआ है कि किस सेल्समैन ने क्या प्रोडक्ट बेचा है, उस पर कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको कम से कम एक वीडियो TDL की ज़रूर मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट शाम को 4 बजे के आसपास ये अपलोड होती है, तो आप उस टाइम के बाद ये देख सकते हैं। और आज का टेली चैप्टर 132 यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे टेली चैप्टर 133 की तरफ। रिक्वेस्ट करना मत भूलिएगा, जो भी टॉपिक आपको ऐड करना हो, कम ज़्यादा करना हो, आप कोड में भी खुद से भी बदलाव कर सकते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से जो लोकल फील्ड है आपका, वो लोकल फील्ड आप कम ज़्यादा करते जाएं, यहाँ से करिएगा और नीचे से भी कम करेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो उसे एडिटिंग करके आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक नया फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।